न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कि जीरा ले लिया है और काली मिर्च ले ली है, और उसमें लिया है मैंने बड़ी वाली इलायची, तो साबुत खड़े मसाले लौंग लिया है 4-5, तो जो कुछ भी थे मेरे पास मैंने सब ले लिए हैं। और फिर उसमें मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया था प्याज और लहसुन, तो मैंने ऐसे ही ले लिया है छील के। और हरी मिर्च है तो खूब अच्छे से मैंने भून लिया है 1 मिनट। भूनने के बाद उसमें टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर पक जाने के बाद, तो ठंडा होने के बाद मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है ग्राइंडर जार में। तो फिर उसके बाद मैंने तेल ले लिया है, जीरा थोड़ा सा डाल के, फिर उसमें जो कुछ मैंने मसालों को पीस के रखा था वो ले लिया है। फिर उसमें मैंने कुछ रेगुलर वाले मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, और बस यही, और कुछ नहीं है क्योंकि गरम मसाले मैंने पहले से ले लिया है। थोड़ा सा बस गरम मसाला लास्ट में सब्जी बन जाने के बाद तो ऐड कर दूँगी। तो धनिया पाउडर लिया है, उसमें मैंने मटर छील के रखा था तो ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने पनीर और फिर नमक, बस मेरी सब्जी तैयार हो गई थी। बस हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है इसे, बस अच्छे से भून लेंगे इसे। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना पतला या सूखा खाते हैं आप अपने हिसाब से इसका ग्रेवी बना सकते हैं, गाढ़ी रखनी है या पतली। बाय गाइस, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।